और आज हम ट्विनिंग कर रहे हैं और हमने पहना है पीला कलर। और क्रिकेट के लिहाज से मैं पीले रंग की बात करूं वैभव, तो मुझे याद आती है चेन्नई सुपर किंग्स की। और मैच भी चेन्नई में होना, तो इसलिए हम दोनों जो है पीले कलर में। बिल्कुल, मैच चेन्नई में हो रहा है चिपॉक स्टेडियम में। और जिस तरीके से हमें तस्वीरें देखने को मिल रही है, हमें उम्मीद है कि आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। तो टीम इंडिया का क्वारंटीन हो गया है पूरा, और कल हुआ था एक आउटडोर सेशन और आज से वैभव प्रैक्टिस सेशन होना। बिल्कुल ज्योत्सना, जिस तरीके से जो कोविड रिपोर्ट आई थी, जितने भी खिलाड़ी और स्टाफ मेंबर्स थे इंडियन टीम में, सभी के नेगेटिव आए, जिसके बाद एक बीसीसीआई की तरफ से हमें इन्फॉर्म किया गया कि इंडियन टीम एक आउटडोर सेशन करेगी, जो उनका कल हुआ। और आज शाम को 5 बजे से चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में टीम इंडिया का एक प्रॉपर नेट सेशन होने वाला है, जैसा आप हर बार मैच से पहले करते हैं। तो आपके पास 2 तारीख का आज दिन है, 3 तारीख और 4 तारीख का, तो आपके पास टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए 3 दिन का अच्छा खासा समय है, ठीक है। और इससे पहले जितने भी खिलाड़ी हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेल के ही आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद आपका हम कह सकते हैं कि 2 हफ्ते का एक ब्रेक मिल गया, कुछ खिलाड़ी अपने घर गए और उसके बाद ज्यादा वक्त था नहीं खिलाड़ियों के पास घर में भी रहने का, क्योंकि 26 जनवरी से आपको क्वारंटीन में एंटर होना था। तो आप इंडिया आए थे, आई थिंक 21-22 को आए थे, 3-4 दिन का समय मिला आपने जो परिवार के साथ बिताया, उसके बाद आपका 6 दिन का क्वारंटीन रहा। और अब 3 दिन की प्रैक्टिस आपको करनी है, जिसके बाद से एक बार फिर इंडियन टीम उतरने वाली मैदान पर। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1 साल से भी ज्यादा के वक्त के बाद इंडिया में कोई क्रिकेट मैच होने वाला है, तो उसका जो एक्साइटमेंट है वो अलग लेवल का है। जो बिल्कुल अलग लेवल पे एक्साइटमेंट है। और आप सोचिए कि जो भी सिचुएशन रही उसके मद्देनजर अब 1 साल बाद भारत में हो रहा है। अच्छा वैभव, केएल राहुल पे भी मैं अपडेट लेना चाहूंगी, उनपे क्या अपडेट है? केएल राहुल पे अपडेट, जिस तरीके से हम पहले बात भी कर रहे थे, केएल राहुल जो है वो पहले टेस्ट मैच के लिए इंडियन टीम का हिस्सा नहीं रहने वाले, जिस तरीके से हमारी जो पहले भी बात हुई थी कि जो बीसीसीआई का मेल आया था कि उनकी जो फिटनेस की एक रिपोर्ट थी वो अपना रिहैब के लिए गए थे, अब उनका भी जो रिहैब है वो क्लियर हो चुका है। अच्छा। तो केएल राहुल अब आज चेन्नई पहुंचेंगे, अब से कुछ ही देर बाद चेन्नई पहुंच जाएंगे। तस्वीर में वो चार्टर्ड फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, चाहे वो किंग्स इलेवन पंजाब की बात हो। और हालांकि आजकल जो खिलाड़ी हैं जितने भी, वो चार्टर्ड फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से आप नहीं चाहते, अपने जो एक सेफ्टी के लिए आप ये सब चार्टर्ड फ्लाइट का सहारा ले रहे हैं। तो केएल राहुल भी आज पहुंच जाएंगे, और केएल राहुल आज से 6 दिन के लिए, अब केएल राहुल एक अलग क्वारंटीन में जाने वाले हैं, जहां पर मतलब हम कह सकते हैं 6 दिन के लिए वो क्वारंटीन में रहेंगे। लगभग तब तक पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका होगा, पहले टेस्ट मैच के 2-3 दिन हो चुके होंगे, उसके बाद केएल राहुल अगर चाहे तो जा सकते हैं इंडियन टीम के साथ, क्योंकि जब आपका टेस्ट मैच चल रहा होता है तो उस दौरान जो बैटिंग कोच होते हैं, जो बॉलिंग कोच होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, तो आप जाकर उनके साथ अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक जो चीज देखने वाली बात यह है कि वो लगभग 400 दिन के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली एक टीम के लिए खेलने वाले। इससे पहले देखा तो हमने आईपीएल में था, मगर आमने सामने 400 दिन बाद रोहित शर्मा बड़ी बात बोली, और विराट कोहली आमने सामने होने वाले हैं। बहुत कुछ हुआ पिछले 400 दिनों की, अगर हम बात 400 तो नहीं 370-80 दिन के आसपास का वक्त है, लगभग 400 दिन अगर हम मान लें, तो बहुत कुछ हुआ इन 400 दिनों में। आपने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी सीरीज खेली थी, उसके बाद आप भारत आ गए थे, फिर कोविड की एंट्री हुई, कोविड के दौरान जितने भी खिलाड़ी थे काफी बातचीत हुई, रोहित शर्मा की भी कुछ अलग अलग खिलाड़ियों से यूट्यूब पे बात हुई, इंस्टाग्राम पे बात हुई, फिर आपका आईपीएल एंटर हो गया, आईपीएल में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई दोनों को लेकर। कोई रोहित मुंबई से खेलते हैं, विराट आरसीबी से खेलते हैं, बैंगलोर से। उसके बाद जब विराट ऑस्ट्रेलिया गए तो रोहित ऑस्ट्रेलिया नहीं थे। जब रोहित ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी बहुत बातें हुई, और जब रोहित ऑस्ट्रेलिया तब विराट ऑस्ट्रेलिया नहीं थे। अब लेकिन कल जो एक पहला बॉन्डिंग, जो एक आउटडोर सेशन कह सकते हैं, उसमें हुआ, उसमें भी ये जो दोनों ही खिलाड़ी थे, काफी सारी जितनी भी तस्वीरें साथ मतलब बीसीसीआई की तरफ से रिलीज हुई, उसमें भी ये दोनों खिलाड़ी अब तक एक फ्रेम में नजर नहीं आए। एक जो टीम मीटिंग विराट कोहली जिसको एड्रेस कर रहे थे, उसमें भी विराट कोहली थोड़ा दूर खड़े होकर एड्रेस कर रहे थे, रोहित शर्मा एक दूसरी तरफ पे खड़े हुए थे। तो हालांकि हम ये जरूर चाहेंगे कि एक नया सीजन स्टार्ट हो रहा है, इंडिया में क्रिकेट लौट रहा है, और जो भी इन दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो देखिए, अगर मेरी माने तो है, मैं बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा, कुछ चीजें हैं जो इन खिलाड़ियों को थोड़ी सी अपने दोनों को ही सॉल्व करनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि विराट की तरफ से कई बार इनिशिएटिव हुआ भी कि उन्होंने काफी बार इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, कई बार रोहित के साथ तस्वीर अपलोड भी की। और हालांकि एक जो पहल रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी की कि जब विराट कोहली की बेटी का जन्म हुआ वामिका का, तो रोहित ने विराट को कांग्रेचुलेट किया। तो शायद कह सकते हैं कि जो चीजें हैं अब हमें बेहतर देखने को मिल सकती हैं, कि कप्तान भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, उपकप्तान भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, और आपको एक साथ ही चलना होगा। अगर अपना आप पर्सनल ईगो लेकर चलते रहेंगे तो इंडियन क्रिकेट का उसमें भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको इंग्लैंड के खिलाफ अब ये सीरीज खेलनी है, फिर आईपीएल में चले ठीक है,
आप दोनों अलग हो जाएंगे, टीमें अलग थी। लेकिन उसके बाद जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साथ खेलना है, एशिया कप आपको खेलना है, वर्ल्ड T20 साथ खेलना है, और इंडिया को इंग्लैंड जाना है अगस्त में, वो भी साथ में खेलना है। देखिए ऐसा है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं या जो भी ईगो इश्यूज है, इट इज ओवर एवरीथिंग। आप जब इंडिया के लिए, देश के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो इन चीजों को नीचे छोड़ दीजिए। मतलब आप इससे ऊपर उठेंगे तो ही बेहतर गेम देखने को मिलेगा। बहरहाल मेरा एक सवाल और है वैभव आपसे, मोइन अली शायद हिस्सा नहीं है। नहीं, मोइन अली रहने वाले हैं, लेकिन वो एक मैंने कमेंट पढ़ा था कहीं, मोंटी पनेसर ने ये बोला है कि अगर आप मोइन अली को टीम में शामिल नहीं करते हैं तो आपके लिए ये नहीं, वो उन्होंने शायद इसलिए कहा है कि जो इंग्लैंड शायद इस बार डॉम बेस और जैक लीच की जो जोड़ी हम बात कर चुके हैं, जो अश्विन जडेजा इंग्लैंड को मिले, शायद उनके साथ जा सकते हैं। देखिए मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको इंडिया चेन्नई की विकेट पर, अगर आपको एक इंडिया को थोड़ा सा बैकफुट पर लाना है, तो देखिए आप ज्यादा तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर मत उतरिए। आपके पास देखिए एक बेन स्टोक है जो एक ऑलराउंडर है, तो आपकी वो भी तेज गेंदबाजी करेंगे। तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपने चार बल्लेबाज ऊपर खिलाएं, पांचवें नंबर पे आप रखें बेन स्टोक्स को, छठे नंबर पे आपके जो भी विकेट कीपर है, तो ये कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। उसके बाद तीन आपके स्पिनर्स होने चाहिए और दो आपके तेज गेंदबाज होने चाहिए, जिससे आपको बैटिंग भी मजबूत होगी और गेंदबाजी भी मजबूत होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पहले पांच बल्लेबाजों को लेंगे, छठे नंबर पर आपका विकेट कीपर आएंगे जॉस बटलर होंगे, फिर आप सातवें भी अगर बेन स्टोक्स को समझ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप अपनी टीम को थोड़ा सा मजबूत करिए और हर बेसिक्स को कवर करिए। इंग्लैंड की टीम का क्या अपडेट है, अनाउंस हो गई है क्या? इंग्लैंड की जो टीम अनाउंस हो चुकी है, उसमें मोइन अली है। बिल्कुल मोइन अली है। फिर मोंटी पनेसर ने बात, उन्होंने प्लेइंग 11 के लिए बोला कि प्लेइंग 11 में प्लेइंग 11 की बात, देखिए उनको शायद ये सिनेरियो लग रहा होगा कि शायद इंग्लैंड सिर्फ दो स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरेगी, तीसरे स्पिनर को इंग्लैंड मौका नहीं देगा, तो मोइन अली का खतरा लग रहा। हाँ, तो मोइन अली को खिलाना चाहिए मेरा मानना। अच्छा, क्या मोइन अली भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मोइन अली एक ऐसे गेंदबाज है जिनके पास भारत में गेंदबाजी करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जो जितने भी तीनों स्पिनर आ रहे हैं उसमें जो बाकी के दो स्पिनर्स हैं वो कभी भारत में खेले ही नहीं है। वही मोइन अली को आरसीबी में भी खेलते हैं, इससे पहले आकर इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके, तो आप मोइन अली और बल्लेबाजी भी करते हैं, तो आपको बेन स्टोक्स और मोइन अली के रूप में दो ऑलराउंडर में मिल रहे हैं जो गेंदबाजी भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। तो आपको जरूर तीन स्पिनर्स के साथ जाएं, बेन स्टोक्स आपके रहने वाले हैं, और फिर अब आपको ये फैसला करना कि आप स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन को एक साथ खिलाएंगे या इन दोनों में से आप एक को चुनेंगे और एक को बाहर बिठाएंगे। तो एक एक्साइटिंग सीरीज शुरू होने वाली, जिसके लिए प्रैक्टिस सेशन शुरू हो चुके हैं, और जितनी भी अपडेट होंगी हम दर्शकों को देते रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि वैभव ने बोला, हम अपडेट कोई मिस करेंगे नहीं, आप तक सारी अपडेट और सारी इनसाइड स्टोरीज भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल आप लोग भी अपने सवाल, सजेशन और फीडबैक हमें जरूर दीजिए। फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया।